तो हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग थंबनेल के माध्यम से देख पाए कि ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो एसआई मात्रक पूछे जाते हैं उसके बारे में 100% रियली आज हम लोग जानने वाले, तो चलते हैं हम लोग जानते हैं। और यहाँ पे सबसे पहले हम लोग फर्स्ट देखिए, यहाँ पे लिखा है क्या कि भौतिक राशि एवं उनके एसआई मात्रक। ये बहुत ही प्यारे ढंग से हम लोग देखने वाले थे। यहाँ पे पहला है कि ज्योति फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है, तो ल्यूमेन होता है, ध्यान रखना है। दूसरा है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है, तो डायोप्टर होता है, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है कि तीसरा क्या है कि संवेग या आवेग का एसआई मात्रक क्या होता है, तो न्यूटन सेकेंड होता है। फोर नंबर है कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, तो कूलम्ब होता है, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद पांचवा नंबर क्वेश्चन है कि चुंबकीय तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होता है, तो टेस्ला होता है। उसके बाद छठा नंबर क्वेश्चन है कि पराध्वनिक गति का एसआई मात्रक क्या होता है, तो क्या होता है, तो मैक होता है, आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है, मैक यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट आंसर। सातवां है कि ताप का एसआई मात्रक क्या होता है, तो ताप का एसआई मात्रक केल्विन होता है, ध्यान रखना। आठवां नंबर क्वेश्चन है कि द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या होता है, तो द्रव्यमान का एसआई मात्रक किलोग्राम होता है, ध्यान रखना है। नाइन नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है कि देखिए, नाइन नंबर है कि पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक क्या होता है, तो न्यूटन प्रति मीटर होता है, ध्यान रखना है। दसवां नंबर है कि चाल का एसआई मात्रक क्या होता है, तो मीटर प्रति सेकंड होता है। प्रति मतलब बोलने का यानी मीटर पर सेकंड ऐसे, और न्यूटन प्रति मीटर यानी ऐसे, ठीक है ना, ध्यान रखना है आपको। ग्यारह नंबर क्वेश्चन है कि वायुमंडलीय दाब का एसआई मात्रक क्या होता है, तो वायुमंडलीय दाब का एसआई मात्रक बार होता है, ध्यान रखना है। बारह नंबर क्वेश्चन है कि कोणीय वेग का एसआई मात्रक क्या होता है, तो कोणीय वेग का एसआई मात्रक क्या होता है, रेडियन प्रति सेकंड होता है, ध्यान रखना है। तेरह नंबर क्वेश्चन है कि बल का एसआई मात्रक क्या होता है, तो बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। चौदह नंबर क्वेश्चन है कि ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होता है, तो ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक कैंडेला होता है। पंद्रह नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है, तो विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। सोलह नंबर है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। सत्रह नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है कि विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, तो विद्युत प्रतिरोध का ओम होता है। अठारह नंबर कि शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, तो शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, जूल होता है, जूल प्रति सेकंड या वाट, ठीक है ना, तो आप लोग क्या ध्यान रखिएगा, वाट। 19 नंबर क्वेश्चन है कि दाब का एसआई मात्रक क्या होता है, दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है। 20 नंबर है कि विशिष्ट ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है, जूल प्रति किलोग्राम होता है। उसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन है कि समय का एसआई मात्रक क्या होता है, समय का एसआई मात्रक सेकंड। उसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन है कि लंबाई का एसआई मात्रक क्या होता है, तो मीटर होता है। उसके बाद परम ताप का एसआई मात्रक क्या होता है, तो केल्विन। उसके बाद खगोलीय दूरी का एसआई मात्रक क्या होता है, तो खगोलीय दूरी का मात्रक प्रकाश वर्ष। उसके बाद ये कुल देख लीजिए यहाँ तक लास्ट होता है।